तो जय हिंद सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण निन्ना फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक और चमत्कारिक वीडियो लेके, जो कि कैंसर पेशेंट को मैं दिखाने वाला हूँ आपको, जिनको कैंसर है। और इनके बारे में शायद जानते भी होंगे, आपने जानकारी आपको पता होगा, मनोज कुमार हमारी मीटिंग्स में हमेशा रहते हैं। ये उनके ब्रदर इन लॉ हैं या उनके सगे साले हैं, और इन्हीं का चमत्कारिक रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली आपको उनसे, अभी सामने मेरे पास ही में बैठे हुए हैं, मैं उनसे आपको डायरेक्टली बात कराऊंगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर समझिएगा, ज़रूर जानिएगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं, आप लोग जज कीजिएगा। तो मैं अभी डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन कराता हूँ, एक मिनट बस। सही राम जी, इधर देखिए जरा। हाँ, सही राम जी, कैसे हैं आप? सही राम जी, आपको क्या तकलीफ है? मेरे गले के अंदर कैंसर है जी, गले के अंदर कैंसर है। लगभग 4 महीने कितने दिन से, हो गए? करीब करीब 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस 4 महीने में आपने दवाई क्या ली है? 4 महीने में 1 महीने तो कुछ लिया नहीं, कोई दवाई नहीं नहीं ली। और 1 3 महीने से यही मुहिम ले रहा हूँ मैं। नहीं, आप मतलब कि कह रहे हैं कि आपने कोई डॉक्टरी इलाज नहीं कराया अभी तक? नहीं आपने कराया, केवल एक बार चेक जयपुर से करवाया था। दिखाया था, हाँ, चेक चेक करवाया था। कराया था जयपुर का, हाँ जी, और वहाँ पे आपको बताया गया कि आपके कैंसर है। कैंसर है, ठीक है ना, गले का कैंसर है। मैं कैंसर आपको है, इनका गले का मैं दिखाना भी चाहता हूँ, छोटी सी वो गांठ है जो, ये जो छोटी सी गांठ आपको दिख रही है, बिल्कुल ये है, और ये बड़ी थी बहुत ज़्यादा। इस समय जिसको कहते हैं बिल्कुल आपको बहुत छोटी सी दिख रही होगी, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट घट गई है, नहीं तो कहूँगा कि बहुत पहले जिसको कहते हैं ये जो आपको समझ में आ रही होगी, ये इनको थी। और इस समय ये कुछ नहीं ले रहे हैं, अंदर भी 3 है। अंदर भी 3 है। तो अब आप क्या क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या क्या लग रहा है कि मतलब कि आपको पहले जब स्टार्ट हुआ था, जब आप दिखाने गए थे, उस समय क्या तकलीफ थी आपको? जब तो दर्द ज्यादा था दर्द ज़्यादा था और और गांठें बड़ी थी, थोड़ी तो गांठें बड़ी थी। खाना पीना, खाना पीना कम था, खाना पीना नहीं खा पा रहे थे आप, भूख कम लग रही थी। भूख कम लग रही थी। और अभी आप लगभग लगभग अब थोड़ा भूख लगती है। अब भूख लग रही है। और इसमें मतलब डॉक्टर ने क्या कहा है आपको? आप क्योंकि दवाई नहीं ले रहे, फोन पे बात हुई तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ने कहा था कि इलाज पहले जरूरी और कराओ, कैसे दिन जाएगा, मगर ये दवाई ले रहा हूँ मैं। आप हिम हिम ले रहे हो, और आपने कहा कि डॉक्टर ने ये कहा कि अगर आप इलाज नहीं करा रहे हो तो कैसे जिंदा हो? हाँ, तो मैंने कहा था कि उनको ये दवाई ले रहा हूँ मैं, तो कौन सी दवाई, अटोमी नाम नाम की, बताएंगे क्या उसका? अटोमी की है ये हिमोहिम। अटोमी का ही मुहिम आप ले रहे हैं, तो आप मान रहे हैं कि इससे आप इसको देखो तो मैं कुछ बढ़ाया ठीक भी हो था रहे हैं? जी, बीच में 3 पैकेट कर दिए थे बीच में, हाँ, फिर वे बाद में ज़्यादा 3 पाउच हो खाने लग गए थे गया। आप, हाँ, मगर फिर 2 ही कर दिए मैंने। आप 2 कर दिए हैं। अब आपको लग रहा है कि ये घट रही है आपकी गांठ हाँ, और कुछ कुछ लग रहा है घट रही है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है? हाँ, यहाँ बात समझने की एक ही है, आप सबको एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये आपके सामने बैठे हुए हैं। क्या समझना है, 4 महीने से इनको कैंसर है, 4 महीने से ये कोई डॉक्टरी इलाज नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके सामने बैठ के बिल्कुल स्वस्थ की तरह बात कर पा रहे हैं। इनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि जिससे इनको कोई ऐसा लगे, आप इनको देख के ऐसे नहीं कह सकते कि इनको कैंसर होगा, और 4 महीने पहले डिटेक्ट हो चुका है वो। तो ये एक चमत्कार केवल और केवल हिमोहिम का है। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझ जाएं तो अच्छा होगा। हिमोहिम हमेशा आप कोई भी इलाज करें उसके साथ में जरूर लें। इनको भी हमने बिल्कुल भी, हमारी ये सलाह नहीं है कि डॉक्टर इलाज ना करें, इनको भी स्पेशली हमने कहा है कृपया करके आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं और बाकी जो प्रोसेस है उसको करें, राइट, चाहे वो कीमो हो, चाहे वो थेरेपी हो, या कोई भी इलाज हो उसको करें। हिमोहिम साथ में ज़रूर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है कैंसर को ठीक करने में। मतलब कि ये क्यों करता है, क्योंकि ये आपके इम्यून को बढ़ा देता है, आपके सेल्स को बढ़ाता है, और आपके NK सेल्स जितने भी कैंसरस सेल्स होते हैं उसको मारने का काम करता है। तो हमारे साथ थे सही राम जी, और जो कि ये हरियाणा से हैं और इस समय मेरे ऑफिस में आए हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए, आपके सामने हैं। तो आप
क्या कहना चाहते हैं सही राम जी, आपको लग रहा है कि ये सही में कुछ दवाई या आपके लिए हमारा जो चीज है वो अच्छी है? हाँ दवाई तो अच्छी है जी, हाँ मानते हैं तो है ना, आराम है। हाँ आवाज में थोड़ा फर्क है बस आवाज। हाँ पहले आप बोलने में भी आपको तकलीफ आती थी, आवाज में थोड़ा फर्क है, आवाज नहीं निकलती थी आपके गले से, कम थी बस थोड़ी, कम थी, अभी ठीक लग रही है, समझ में कम आती है। राइट, तो थैंक यू सही राम जी। तो कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, हम एक चमत्कारिक वीडियो हमेशा आपको देने की कोशिश करते हैं ना, तो कृपया करके इस हिमोहिम को आप कहते हैं ना कि आसान ना समझे, ये कुछ भी कर सकता है। तो थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद।